मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट PG कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस BCOM पार्ट सेकंड के लिए आज मैंने चैप्टर तैयार किया है कि चेक का अनादरण और चेक को लिखने में रखने वाली सावधानियों को इस चैप्टर में लिया गया है। चेक को लिखने में बरती जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी है, प्रिकॉशंस इन राइटिंग अ चेक, कि चेक में उसके लिखने और निर्गमन की तिथि अवश्य अंकित की जानी चाहिए, बिना तिथि अंकन के चेक अपूर्ण होता है और बैंक उसका भुगतान करने से मना कर सकता है, चेक में उसके भुगतान प्राप्त करने वाले आदाता का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए, यदि आहर्ता स्वयं ही उसका भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो आदाता के स्थान पर सेल्फ यानी कि स्वयं लिखा जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें ये होती है कि चेक में आहरित धनराशि शब्दों में और अंकों में स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए, यदि अंकों में और शब्दों में अलग अलग लिखी हुई है तो भी बैंक भुगतान से मना कर सकता है, और सुरक्षा की दृष्टि से शब्दों में लिखी धनराशि के तुरंत बाद ओनली शब्द लिख दिया जाना चाहिए, चेक की राशि रुपये शब्द के बिल्कुल समीप लिखी जानी चाहिए, अंकों में लिखित राशि के तुरंत बाद तिरछा डंडा माई डैश लगा देना चाहिए ताकि सेफ्टी हो सके। इसी तरीके से चेक लिखते समय और सावधानियां कौन सी रखनी चाहिए, तो एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि लिखने वाले को चेक पर बैंक में दिए गए नमूने वाले हस्ताक्षर ही करने चाहिए, हस्ताक्षर पेन से करने चाहिए ना कि पेंसिल से। इसी के साथ एक और सावधानी है कि चेक में आहर्ता को निर्दिष्ट स्थान पर खाता संख्या भी लिखनी चाहिए, यदि बैंकर ने नहीं लिख रखी हो तो सामान्यतः बैंकर चेक बुक जारी करते समय ग्राहक खाते की संख्या लिख देते हैं। चेक को भरते समय स्वच्छता और स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, शब्दों का वर्ण विन्यास स्पेलिंग भी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। इसी के साथ कुछ और सावधानियां भी हैं और उसमें प्रमुख रूप से सावधानी है कि यदि चेक में किसी भी प्रकार की कोई कटपीट की गई है अथवा उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं तो ऐसे स्थानों पर आहर्ता को अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए, हस्ताक्षर के अभाव में बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है, चेक से भरते समय ही उसका प्रतिपर्ण काउंटर फॉइल भर दिया जाना चाहिए ताकि लेखक के पास निर्गमित चेक की संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध रहे, चेक को रोशनाई से लिखा जाना चाहिए, वर्तमान में डॉट पेन से लिखे चेकों को भी बैंक स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से कुछ ये सावधानियां थी जो कि बैंक को रखी जानी चाहिए। अब आता है चेक का अनादरण, डिसऑनर ऑफ चेक। चेक का अनादरण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए चेक अनादरण हो सकता है, इसे आप समझ लें कि चेक बैंक को मांग पर भुगतान करने का आदेश होता है, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसमें बैंक चेक का भुगतान करने में असमर्थ होता है। ऐसी कुछ परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है, जैसे ग्राहक यानी लेखक द्वारा ही चेक का भुगतान न करने की सलाह पर, या दूसरा ये कहें कि चेक के लेखक की मृत्यु की सूचना बैंक से प्राप्त हो जाने पर बैंक उस ग्राहक के खाते के चेक के भुगतान नहीं करता है, ग्राहक के पागल हो जाने पर जब बैंक को इसकी उचित सूचना मिल जाती है तो बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है या भुगतान नहीं करता है। इसी तरीके से चेक का अनादरण कुछ और दशाओं में भी किया जाता है, ग्राहक को जब न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो बैंक उसकी उचित सूचना मिलने पर भी ग्राहक के चेकों का भुगतान नहीं करता है, जैसी सूचना मिल गई कि ग्राहक दिवालिया हो गया है तो बैंक उसके खाते को स्टॉप कर देता है। इसी तरीके से न्यायालय द्वारा बैंक से आदेश दे दिया जाता है कि किसी अमुक ग्राहक के खातों के भुगतान को रोक दिया जाए तो न्यायालय के आदेश के हिसाब से चेकों का जो है भुगतान बैंक नहीं करती है तो ग्राहक के खाते को जो है सील कर दिया जाता है। इसी तरीके से एक और जगह अनादरण हो सकता है कि ग्राहक के बदलने की सूचना प्राप्त होने पर, अर्थात जब ग्राहक ने अपने सभी अधिकारों का हस्तांकन बैंक के खाते का संचालन सहित किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया है तो इस खाते में पुराने चेक का भी भुगतान पर बैंक रोक लगा सकती है। इसी तरीके से बैंक और कई दशाओं में भी अनादरण करती है, जैसे चेक प्रस्तुत करने वाले अर्थात भुगतान मांगने वाले व्यक्ति के संबंध में जब बैंक को किसी त्रुटि की संभावना लगे तो बैंक उससे भुगतान नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से ग्राहक द्वारा जब बैंक को सूचना दी जाती है
कि उन्होंने संस्था का हिसाब बंद कर दिया है तो उनके इस आदेश के अनुसार बैंक ग्राहक के चेकों का भुगतान नहीं करता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्न कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बैंक को कानूनी व्यवहार की सुरक्षा की दृष्टि से चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से एक और जगह अनादरण कर सकता है कि चेक अगर पुराना हो गया है अर्थात चेक पर यदि 3 माह से अधिक पुरानी तारीख पड़ी है तो बैंक उस चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है, और यदि बैंक पर भविष्य की कोई तारीख पड़ी हुई है तो भी बैंक उस चेक का उस तिथि से पूर्व भुगतान नहीं करेगा। इसी के साथ ही साथ जो है ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा न होने पर ग्राहक की जमा राशि के से अधिक के चेकों का भुगतान बैंक नहीं करता है। इसी तरीके से चेक में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए उस पर ग्राहक के हस्ताक्षर होने चाहिए, ऐसा न होने पर बैंक भुगतान नहीं करता है। बैंक चेक बैंक की उसी शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें ग्राहक का खाता हो। अन्य किसी बैंक या अन्य किसी शाखा में प्रस्तुत होने पर बैंक मात्र प्रस्तुत करने वाले की ओर से भुगतान मंगाने की व्यवस्था तो कर सकता है परंतु तत्काल नकद भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से संयुक्त खाते की दशा में जब संयुक्त हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और किसी कारणवश दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर न होने पर बैंक चेक का भुगतान नहीं करता है। यदि चेक कटाफटा है तो भी बैंक उसके भुगतान के लिए मना कर सकता है। चेक के लेखक के हस्ताक्षर बैंक में दिए गए नमूने के हस्ताक्षर से अगर मिलान नहीं खाते हैं, भिन्न होते हैं, तो भी बैंक जो है चेक का अनादरण कर देता है। इसी तरीके से चेक पर लिखे गए पहचान नियमानुसार नहीं हो तो उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक तकनीकी कठिनाइयाँ हो सकती है जिसमें बैंक ग्राहक के चेक का भुगतान नहीं करता है। अर्थात पूरे नियमानुसार होने पर ही बैंक के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।